सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता शेमाल देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ की पवित्र नगरी माँ गंगा के तट पर बसा हुआ सुंदर सा शहर उत्तरकाशी से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हर्षिल ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई उत्तरकाशी के इस खूबसूरत शहर से। और अगर मौसम की बात की जाए ना तो रात भर काफ़ी तेज बारिश हुई, लेकिन अभी का जो मौसम है एकदम पूरे बादल छाए हुए हैं, कहीं धूप दिखी नहीं रही। आज मेरी तैयारी है देहरादून जाने की। लगभग 1 से 2 दिन मैं देहरादून में रुकूंगी, क्योंकि वहाँ पे भी मेरा कुछ काम है और उसके बाद निकलूंगी आगे जहाँ पे मुझे जाना है। और फिलहाल आपको ये उत्तरकाशी के खूबसूरत नज़ारे, ये खूबसूरत शहर वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। और जाने से पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, तो सीला ने ब्रेकफास्ट बना रखा है और हमारा गाड़ी का टाइम भी होने वाला है, और जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और अब मेरी जाने की तैयारी है। और कल से ना हमारा बुज़ुर्ग भी बहुत उदास हो रखा है, बस देख ही रहा मुझे, पता नहीं क्या सोच रहा है। इसको सब कुछ समझ है, जैसे मेरी अटैची वगैरह देख रहा है तो इसको लग रहा है कहीं बाहर जा रही है, लेकिन क्या करें, पशु है ना, बोलना तो आता नहीं लेकिन समझ सब कुछ है। बुझो चलो बाय बाय बुझो बाय बाय कालू बाय। तो अभी मैं पहुंच गई उत्तरकाशी बस अड्डे के पास। तो आज अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, आज जाएंगे विश्वनाथ सेवा, तो उससे जाएंगे देहरादून के लिए। और देखते हैं हमें कौन सी वाली सीट मिली हुई है, और यहीं पे लगी हुई है विश्वनाथ सेवा जो कि सुबह खोली होके जाएगी। और जो हमारी सीट है वो है 7 और 8 नंबर की। तो मेरे साथ जा रहा है मेरा बड़ा वाला बेटा। पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। काच रंग हल्दी को धोए बेरोनी जाना, कलेजी में दुख पड़ो रोए बेरोनी जाना। और भावुक पल के साथ सफर में आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच गई रौतू की भेली में। तो यहाँ पे लंच वगैरह कर लेंगे, लेकिन जो आजकल रूट डाइवर्ट हो रखा है वो गाड़ियाँ जितनी भी है वो आ रही है अलमस होके, क्योंकि जो मेन रोड है वहाँ पे कुछ पुल वगैरह का काम चल रहा है। और जो ये अलमस वाली रोड है ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर काफ़ी कच्ची रूट है, जिसमें कि काफ़ी टाइम लग रहा है और देहरादून पहुँचने में लगभग 1.5 से 1.25 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, तो यहाँ पर एक बार लंच कर लेते हैं क्योंकि भूख भी ज़्यादा लगने लग गई। सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाई ढंग से, क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ सामान वगैरह भी रखना था और गाड़ी का टाइम भी हो गया था। तो एक बार स्वादिष्ट सा लंच का आनंद ले लेते हैं। धार में को इमली बूटो इमली टीपी खूलो, 4 दिन देश जूलो फिर पहाड़ यूलो। तो लंच करने के बाद अब बैठे हैं गाड़ी में। लगभग यहाँ पे 20 से 25 मिनट गाड़ी खड़ी रहती है, जिनको लंच करना होता है वो लंच करते हैं, जिनको चाय पीनी होती है चाय पीते हैं। निकलते हैं यहाँ से देहरादून के लिए। पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे, रेशमी रुमाल तेरो उड़ने लगी रे। तो चलिए जी, अभी मैं पहुंच गई बंगाली कोठी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं पहुंच गई थी रूम पे, लेकिन यहाँ पे ना तो मेरा भतीजा है और मेरी भतीजी स्वाति भी आ रखी है, दोनों मार्केट गए हुए हैं। और अगर देहरादून मौसम की बात की जाए तो काफ़ी गर्मी हो रही है, दिन तक काफ़ी तेज बारिश हुई, लेकिन अभी जो शाम का मौसम है तो बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है। रुमाल तेरो उड़ने लगी।
माल तेरो उड़ने लगी रे। और घर पहुंचने पे थोड़ी देर में सो गई थी, और अभी मेरी भतीजी स्वाति और भतीजा भी आ गया, नहीं तो मैं बहुत बोर हो रही थी अकेले में। अंशु अंदर वाले कमरे में सो रखा था, मैं बाहर वाले कमरे में सो रखी थी, लेकिन थोड़ी देर बहुत अच्छी नींद आई और थकान भी लग गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी सालों बाद आई हूँ विश्वनाथ गाड़ी में, तो मज़ा तो काफ़ी आई लेकिन थकान भी हो गई थी। लेकिन अब थकान उतर गई और मार्केट से स्वाति भी आ गई। स्वाति जैसे मार्केट से आई, और स्वाति ने लाए हैं मोमोज, और ये क्या स्वाति? सोया चाप। और मोमोज खाने के बाद ना ऐसे गप्पे मारते मारते लगभग हम लोगों के एक से डेढ़ घंटा हो गया, लेकिन अभी खाने का कुछ डिसाइड नहीं हुआ। और स्वाति मार्केट गई थी, स्वाति ने जो भी सामान लाया अभी तक स्वाति मुझे वही दिखा रही कि बुआ मैं ये लेके आई ये लेके आई, तो सामान देखते देखते काफ़ी टाइम हो गया। और भतीजा और बेटा जा रखा है किचन में, तो अभी डिसाइड करेंगे क्या बनाएं। और अंशु आज अपने हाथ ही बना रहा है चाय गर्मा गर्म, बिल्कुल स्पेशल चाय। अंशु अच्छी बनाना है वो होगा वहाँ पे इलायची है हाँ ढंग से बिल्कुल, वरना देखना फिर। अंशु चाय बना रहा है यहाँ पे, अंशु ढंग से बना। और यहाँ पे सुबह काट रहा है प्याज, यानी सब्जी की तैयारी। सुबह क्या सब्जी बना रहा है आज? पनीर की सब्जी बन रही है आज। ले लीजिए चाय। और अंशु ने ना इतने बड़े कप में चाय, अच्छी बना रखी है अंशु। तो अभी हम लोगों ने डिनर कर लिया, और यहाँ पे स्वाति भी बर्तन धुल रही है, और सुबह में ला रखी है मिठाई, यानी घेवर है ना सुबह? ये है घेवर, और ये केवल मानसून के महीने में खाया जाता है। मानसून में क्या होता है कि मानसून में रहता है मॉइस्चर रहता है हवा में, तो इसलिए ये सॉफ्ट रहती है मिठाई। अगर हॉट टाइम आप लोग खाओगे बन भी नहीं पाती हॉट टाइम ये मिठाई, जस्ट बिकॉज क्यों, मॉइस्चर ज़्यादा रहता नहीं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती नहीं है, तो ये बहुत हार्ड हो जाती है। इसलिए मानसून के टाइम पर ये मिठाई बनती है और खाई भी जाती है, और ये बेस्ट स्वीट है मॉनसून के टाइम का, सो प्लीज गिव इट अ ट्राई। कहाँ से ले ली, कौन से शॉप से लाया? मैं लेके आया इसे कुमार से। और यहाँ पे स्वाति बर्तन धुल रही है, मैं स्वाति कह रही स्वाति मुझे धुलने दे बर्तन, लेकिन स्वाति कह रही नहीं बुआ मैं खुद करती हूँ। बुआ जब आप मैं घर आपके घर आती हूँ तो अभी भी तो आप कुछ काम नहीं करने देते हो। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो डिनर करने के बाद अब है सोने की तैयारी, लेकिन काफ़ी गर्मी हो रही है देहरादून में, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, तो कोई सुबह सो रखा नीचे, अंशु सो रखा वहाँ पे, और मैं और स्वाति सोएंगे अंदर। और अभी स्वाति बना रही है ग्रीन टी, सबके बिस्तर लगे हुए हैं नीचे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।